नमस्कार तो सत श्री अकाल। आज हमारे पास है हीरो की करिश्मा XMR। बहुत लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस बनाई लेकिन इसके बारे में सारी सच्चाई कोई भी नहीं बताता, वो हम लोग बताते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहना। इसका राइड रिव्यू सिटी में कैसा है, ट्रैफिक में कैसा है, हाईवे में कैसा है, एवरीथिंग अबाउट दिस बाइक आई एम गोइंग टू टॉक इन दिस वीडियो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इस गाड़ी के अंदर जो फीचर मुझे सबसे बेटर लगता है वो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। यहाँ पर एक बटन है, इस बटन के ऊपर लिखा हुआ है वाइजर। क्या होता है इससे, अगर मैं इसको दबाऊंगा और इसको अगर पुल करूंगा तो ये थोड़ी सी हाइट जो है इसकी ऊपर हो जाती है, राइट है, दबाया और नीचे। आप लोगों को लगता है कि इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन जब विंड ब्लास्ट आती है ना, जब आप गाड़ी चला रहे हो और हैवी विंड होती है तो आपके सर पे लगती है, वो इसमें थोड़ी कम हो जाएगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। 210 सीसी का इसके अंदर एकदम नया इंजन मिलता है और ये अभी तक इसका फर्स्ट बैच है जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ। इस गाड़ी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी भी है, जो बुरी भी है और ओवर द टाइम अपग्रेड भी होगी। गाड़ी को चलाने में और इनिशियल पिकअप का जो पावर है वो काफ़ी अच्छा है। सबसे पहली और अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो इसका फ्यूल टैंक साइज़ काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है। लुक तो इसमें आता ही है लेकिन इसके फ्यूल टैंक साइज़ की वजह से अब इसके अंदर वही बात हो जाती है कि पेट्रोल डालो और भूल जाओ। अराउंड आपको 40 का जो है वो माइलेज इस गाड़ी के अंदर देखने मिलने वाला है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आते हैं, USD नहीं आते। ये मुझे इसके अंदर एक चीज़ जो है वो अच्छी नहीं लगती, आई पर्सनली डोंट प्रेफर दिस। इस गाड़ी के अंदर आपको तीन कलर देखने मिलते हैं, एक आता है रेड, दूसरा आता है येलो, तीसरा है ब्लैक। तीन अलग अलग कलर्स आपको इस गाड़ी में देखने मिलेंगे। ओवरऑल 25 BHP की पावर, अ बेटर कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर देन R15। सामने एक आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने मिलता है। चाबी का डिज़ाइन जो है ना वो भी इसके अंदर देख लो बदल चुका है। USB पोर्ट मिलता है। और हैंडल की बात करूं, हैंडल में यहाँ पे आपको मोड और सेट का ऑप्शन मिलता है। देर इज़ अ सिंगल बटन फॉर इंजन किल, इंजन स्टार्ट और साथ ही साथ हज़ार्ड का बटन आपको राइट में देखने मिल जाएगा। हीरो का ये पहला लिक्विड कूल्ड इंजन है जो इसके अंदर आपको देखने मिल रहा है और अभी तक और किसी भी बाइक के अंदर आपको जो है लिक्विड कूल्ड जो देखने वो नहीं मिलता। करिश्मा के लॉन्च में मैं गया नहीं था लेकिन हाँ इतना मुझे पता था कि ये गाड़ी आपको क्या क्या देने वाली है, क्या क्या ऑफर करने वाली है। ये देखो कुछ कुछ मुंबई में ऐसे भी चलाते हैं गाड़ी, सो केयरफुल होकर जाना पड़ेगा। कमी तो बस इसके अंदर एक ही लगती है कि इसके अंदर अभी तक आपको USD नहीं मिलते, वो आपको 160R में भी मिलते हैं। पावर काफ़ी अच्छा है, पावर डिलीवरी काफ़ी अच्छी है। इसको मैं फुल स्पीड में नहीं भगा रहा हूँ, जहाँ पर खाली बैच मिलेगा वहाँ पर मैं आपको इसकी टॉप स्पीड वगैरह भी सारी चीज़ें बताऊँगा। मैंने ओरिजिनल XMR भी चलाई है और इसको मैं अभी चला रहा हूँ। दोनों में मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि आपको जो फील है ना, फील काफ़ी हद तक आपको सिमिलर लगती है। I am 5'10" और ये गाड़ी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुझे छोटी महसूस हो रही है। आई एम अ लिटिल अनकम्फर्टेबल लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सिटी में जो है उसे नहीं चला पाऊंगा या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मैं इसे नहीं चला पाऊंगा। सीट कंफर्टेबल है, दैट इज़ वाई ये एक चीज़ जो है ना वो इसके अंदर बेनिफिट है। हंड्रेड ये गाड़ी बहुत ही आराम से जाती है यार। मैंने इसको कंप्लीट फुल थ्रॉटल जो है वो नहीं दिया है, बहुत ही आराम आराम से मैंने इसको पुश किया है लेकिन गाड़ी जो है वो 100 काफ़ी आराम से जाती है। राइट नाउ वी आर हेडेड टू RA और RA में पॉट होल्स टेस्ट करने के लिए सबसे अच्छी जगह है क्योंकि यहाँ पर पॉट होल्स रम्या पक्या सूर्या यहाँ पे आपको सारे पॉट होल्स मिल जाएंगे और सबके एक हिसाब से नाम ऐसे हमने रखे हैं ताकि आइडेंटिफाई कर सके। सो ओवरऑल इसे ऐसे ऐसे चलाने में भी काफ़ी आसान है, लाइक मैं इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से आराम से मनूवर कर सकता हूँ। गाड़ी की हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है और आई हैव नो कम्प्लेन्स विद द हैंडलिंग। सामने क्लिप ऑन हैंडल बार्स देखने मिलते हैं, यहाँ पे USB चार्जिंग सॉकेट भी है, छोटा सा प्यारा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। ये थोड़ा सा बड़ा और बेटर हो सकता था पर एडवांटेजेस इसके अंदर वही है जो आपको XMR में देखने मिलते थे। काफ़ी स्पोर्टी लुक है, हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, हेडलाइट काफ़ी अच्छी है, फीचर्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं इसके अंदर। डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, वो इसके अंदर डिसएडवांटेज है। मैं इस गाड़ी को सिटी हाईवे और बाकी जो छोटी मोटी गलियां हैं वहां पर भी तीनों जगह मैं चलाकर आपको दिखा रहा हूं और ऐसा रिव्यू तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग करते हैं जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। अल्टीमेटली आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके फ़ैन की आवाज़ सुनो, बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर हम इसे प्रॉपरली टेस्ट कर रहे हैं, इसे हम जयपुर में टेस्ट नहीं कर पाए लेकिन हीरो की टीम से अगर कोई देख रहा है डू आस्क अस टू कम। प्रॉपर देखिए सीटी टेस्ट हो रहा है यहाँ पे गाड़ी का। मिरर्स जो है मिरर्स थोड़े से बाहर की तरफ है, ऑब्वियसली अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो मिरर्स जो है आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देंगे। अगर आप ऐसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में से बाइक को निकालते हो तो उस टाइम पे ये मिरर्स थोड़े से आपको तकलीफ दे सकते हैं। अगर आप थोड़ा टाइम यूज़ करोगे तो आपको जो है वो हैबिट इसकी हो जाएगी। स्कूल एरिया इसके लिए यहाँ पर कोई हॉर्न नहीं बजाता और अगर आप भी कोई स्कूल एरिया या फिर हॉस्पिटल के आसपास से जाते हो तो आपको बेमतलब की हॉकिंग नहीं करनी है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर टूडे। इन ट्रैफिक लाइक दिस हम लोग हॉन्क बहुत करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आपके आसपास कोई स्कूल है या इफ यू पासिंग बाय नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल हॉन्क मत करो, डिस्टर्ब होता है, प्रॉब्लम होती है, बहुत ही अनकन्वीनियंट होता है। सो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। बेकार में दो या तीन एक्स्ट्रा हॉर्न मारने से आपकी गाड़ी जो है वो फास्ट नहीं चलेगी या तो फिर ट्रैफिक हटने नहीं वाला। उस टाइम पे यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस, अगर आप उतना कर लोगे तो यू आर अ फैंटास्टिक राइडर।
इतने सारे खड्डों में से भी ये गाड़ी काफ़ी आराम से निकल जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यहाँ पे सैडल करता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इसकी सीटिंग पॉस्चर की वजह से मैं वो सारी चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। गाड़ी स्लिप हुई, इसमें गाड़ी की गलती नहीं है यार, यहाँ पे इतना ज़्यादा ग्रैवल है कि वो कोई भी गाड़ी होती तो होता। अगर यहाँ पर ऐसे ग्रैवल वाले रोड पे हम लोग एक्सट्रीम ब्रेकिंग करेंगे उस टाइम पे ये तकलीफ़ होने वाली है। इस गाड़ी को सिटी में चलाने का मज़ा बहुत अलग है। इंजन की पावर अच्छी है, रिफाइनमेंट अच्छी है। तीन चार चीज़ें इस गाड़ी की मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई, जैसे इसका ये जो फाइबर बिल्ड है ये काफ़ी वीक है, स्ट्रॉन्ग हो सकता था और अच्छा मटेरियल यूज़ किया जा सकता था पर वो नहीं है। नीचे इंजन प्रोटेक्टर के नाम पर खाली फेयरिंग को दोनों तरफ से जोड़ दिया गया है, अगर नीचे कोई भी प्रकार का खड्डा आता है, अगर आप किसी भी बम्प से निकलते हो तो वो टूट जाएगा। हाईवे के अंदर अगर आपको यहाँ से ऐसे ओवरटेक करना है, लीन करना है, वट एवर यू कैन डू, वो बहुत ही आराम से हो जाएगा लाइक दिस। गाड़ी की मनूवरिंग हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैंने ZMR भी चलाई थी एंड दिस इज़ द सेकेंड जनरेशन फॉर मी। इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस जहाँ से मैंने ये बाइक लिया, दिस इज़ ऑटो माइल्स हीरो, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के बिल्कुल सामने है। यहाँ पर आप आके गाड़ी की टेस्ट राइड ले सकते हो, बुक कर सकते हो, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस माइलेज टेस्ट सारी चीज़ें अगली वीडियोस में आपको देखने मिलेगी। तब तक के लिए